गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम राजस्थान की पिंक सिटी यानी कि जयपुर की बात करने जा रहे हैं। अगर आप जयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जयपुर कैसे पहुंचना है, जयपुर में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और जयपुर में आपको कौन से स्थान पर स्टे करना चाहिए, साथ ही साथ जयपुर में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, जयपुर में हमको कौन कौन से प्लेसेस पर विजिट करना है और इन सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए हमारा माध्यम क्या होगा, हम वहाँ पे टैक्सी लेके घूमें या फिर हम वहाँ पे स्कूटी कार रेंट पे लेके घूमें, ये सारी बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में ये भी जानेंगे कि हमको जयपुर घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, एक एक करके मैं सारी बातों को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको जयपुर की यात्रा करने में काफी सहूलियत होगी और साथ ही साथ आपका बजट भी कम लगेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको जयपुर कैसे पहुंचना है। दोस्तों जयपुर पहुंचने के लिए आपके पास तीन बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों इंडिया के किसी भी बड़े शहर से आपको जयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने सिटी से जयपुर तक के लिए ट्रेन सर्च कर लीजिए, और अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप ब्रेक जर्नी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि अगर हमको ट्रेन से आना है तो हम कैसे पहुँचेंगे। अब बात करते हैं दूसरे माध्यम की, यानी कि अगर आपका माध्यम है फ्लाइट। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप जयपुर तक की डायरेक्ट फ्लाइट सर्च करके आप जयपुर पहुंच सकते हैं। और अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका बाय बस। दोस्तों इंडिया के बड़े बड़े शहरों से आपको जयपुर के लिए डायरेक्ट बस देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट बस हो या फिर वो आपकी प्राइवेट बस हो। तो दोस्तों अगर आप बस का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो आप बस से भी जयपुर डायरेक्टली आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हम जयपुर पहुंच चुके हैं और अब हमें जयपुर में स्टे कहाँ करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जयपुर में स्टे करने के लिए मैं आपको दो से तीन लोकेशन बताऊंगा, जो कि आपका सभी स्थानों को कवर करने के लिए काफी नजदीक पड़ेगा। सबसे पहला स्थान ये कि अगर आप चाहे तो रेलवे स्टेशन के आसपास अपना स्टे ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, बजट होटल भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप अच्छी होटल देखना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। होटल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो 800-900 रुपए से 4-5 हज़ार तक भी आपको होटल देखने को मिल जाएंगे, और ये होटल आपको पर डे के हिसाब से मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो था कि अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास अगर अपना स्टे लेना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के आसपास होटल बुक कर सकते हैं। दूसरा लोकेशन है दोस्तों आपका, वो है आपका चांदपोल बाजार के पास। दोस्तों चांदपोल बाजार के आसपास भी आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ लॉजेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ स्टे लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आप स्टे ले सकते हैं। और तीसरा लोकेशन है आपका पानी पार्क के आसपास। सो दोस्तों अगर आप पानी पार्क के आसपास रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको स्टे कहाँ करना है। इसी के साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों जयपुर की जो लोकल डिशेस है, जो राजस्थानी व्यंजन है, उसका स्वाद तो आपको लेना ही है, लेकिन अगर मैं खाने पीने की बात करूँ यानी कि आप डिनर करेंगे लंच करेंगे, तो अगर आप जिस होटल में रुक रहे हैं और उसी होटल में अगर खाने पीने की व्यवस्था है तो ऑल राइट, अदरवाइज आप चाहे तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके जो है वो लंच और डिनर कर सकते हैं। और आपको राजस्थान में ढेर सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खाना देखने को मिलेगा। और जयपुर में अगर मैं खाने पीने की कॉस्ट की बात करूँ तो वो आपको नॉमिनल रेट पे देखने को मिल जाएगा, लगभग आपको 100-150 रुपये थाली सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको जयपुर आने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और जयपुर में हमको सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा जयपुर विजिट करने के लिए। दोस्तों हालांकि जयपुर में विजिट करने के लिए सबसे अच्छा समय वो है आपका विंटर का, और अगर मैं बात करूं कि आपको जयपुर का कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए तो मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन का ट्रिप आपके लिए पर्याप्त है पूरे जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि 2 दिन आपको कम पड़ जाएंगे और 4 दिन में आप सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि जयपुर में हमें कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है।
सबसे पहला है आपका सिटी पैलेस। दोस्तों सिटी पैलेस के आसपास ही आपका राजस्थान से सबसे लोकप्रिय किला वो है आपका हवा महल। और सिटी पैलेस के वॉकिंग डिस्टेंस पे और एक है, वो है जंतर मंतर। तो हवा महल में भी आप विजिट करिए। जैसा कि आपको पता है जयपुर का सबसे फेमस फोर्ट वो है हवा महल। यहाँ पे आपको 5 फ्लोर देखने को मिलेंगे और हर फ्लोर में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ जाइए, कुछ समय व्यतीत कीजिए। सिटी पैलेस में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ नए व्यंजन ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नए व्यंजन भी खा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आप व्यू पॉइंट भी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आपका वहाँ पे एक है जंतर मंतर, वो आपका सिटी पैलेस के अंदर ही है। जंतर मंतर की जो एंट्री टिकट है दोस्तों वो आपकी 50 रुपये है, यानी कि 50 रुपीज। यहाँ पे भी जाइए, यहाँ पे भी आप सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की ओर, जो कि है आपका नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से आपको सनसेट पॉइंट का एक बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। इस महल की एक अलग ही सुंदरता है, एक अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा जब आप इस महल को देखेंगे, जिसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री टिकट जो है वो आपकी 50 रुपये है। ये अरावली हिल्स पे ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जाइए और वहीं पे नाहरगढ़ फोर्ट के पास ही एक बना हुआ है जयपुर जू। तो वहाँ भी आप जाके उस जू में भी कुछ समय व्यतीत कीजिए, वहाँ की चिड़ियाघर भी घूमिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका जल महल। दोस्तों जल महल, जैसा कि आप देख रहे हैं लेक के बीचों बीच में ये महल है। तो यहाँ पे भी आप जाइए, कुछ समय यहाँ पे भी बिताइए और इसको भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लीजिए। आपको काफ़ी खूबसूरत जल महल देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ लेक भी आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। और इसी से थोड़े से आगे जब आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा जयगढ़ फोर्ट। दोस्तों जयगढ़ फोर्ट, इसी को चील का किला भी कहा जाता है, यानी कि हिल ऑफ ईगल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आप जाइए, साथ ही साथ इस फोर्ट के अंदर आपको मंदिर, संग्रहालय, महल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की ओर, जो कि है आपका अंबिर फोर्ट। दोस्तों अंबिर फोर्ट में आपको दो दरवाजे मिलेंगे, एक मिलेगा फ्रंट, एक मिलेगा बैक। लेकिन आप अगर टैक्सी बुक किए हैं या फिर अगर आपने कोई गाड़ी हायर भी की है तो आप बैक साइड से जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो प्रवेश करने का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप बैक साइड से जाइएगा। इस अंबिर फोर्ट में प्रवेश करने के लिए 100 रुपीज आपकी एंट्री फीस लगेगी। यहाँ पे दोस्तों 3 कोटी यार्ड है और इसी अंबिर फोर्ट में दोस्तों बना हुआ है एक शीश महल। तो आप शीश महल भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ का भी एक अनोखा दृश्य है, यहाँ का भी आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान होगा। तो आप यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए। यहाँ अंबिर फोर्ट में दोस्तों आपको एक महल मिलेगी, स्नान घर मिलेगा, रसोई घर मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आप भली भांति यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका कनक घाटी टेम्पल। दोस्तों कनक घाटी टेम्पल, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के साथ ही साथ यहाँ पे एक बना हुआ है छोटा सा गार्डन। तो आप चाहे तो कनक माता के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि कनक घाटी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी आप जाइए, कुछ समय यहाँ पे व्यतीत कीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गलताजी मंदिर। दोस्तों गलताजी मंदिर भी आपका जयपुर सिटी से थोड़ी सी दूरी पे बना हुआ है। तो यहाँ भी जाइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ, यानी कि गणेश जी के दर्शन करने के लिए, जिसका नाम है मोती डंगरी मंदिर। दोस्तों मोती डंगरी मंदिर, यानी कि यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। तो यहाँ पे भी आप जाइए, गणेश जी के दर्शन कीजिए। और मोती डंगरी मंदिर के पास में ही एक बना हुआ है बिरला मंदिर। सो दोस्तों बिरला मंदिर भी जाइए, यहाँ पे भी दर्शन कीजिए, यहाँ पे भी कुछ समय व्यतीत कीजिए और बढ़िए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। दोस्तों अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे कबूतर देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे दाना वगैरह देना चाहते हैं तो अवश्य आप यहाँ पे दीजिएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में जो आपकी एंट्री टिकट है वो आपकी 40 रुपये की है, यानी कि 40 रुपीज। इस म्यूजियम में दोस्तों आपको प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि वेपन्स हो गए, कॉइन्स हो गए,
इस तरह की सारी सामग्री का यह संग्रहालय है। यहाँ आप जाइए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में। अगर आप रात के समय में जाते हैं तो आपको यहाँ के म्यूजियम का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि नाइट व्यू के पर्पस से बहुत ही शानदार होता है। तो अगर आप नाइट में विजिट करना चाहते हैं तो आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम रात में भी जा सकते हैं और यहाँ के नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका अक्षरधाम टेम्पल। दोस्तों, अक्षरधाम टेम्पल को इस तरीके से बनाया गया है जो कि दिल्ली के भी अक्षरधाम टेम्पल जैसा दिखता है। यहाँ भी आप जाइए, यहाँ दर्शन कीजिए और यहाँ के कलाकृति को निहारिए। और यहाँ पे भी आपको गार्डन देखने को मिल जाएगा, तो उस गार्डन में भी आप कुछ समय व्यतीत कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अपने अगले स्थान की ओर। और सबसे अंतिम स्थान जिसका नाम है सिसोदिया रानी गार्डन। दोस्तों, ये एक पार्क है जिसका नाम सिसोदिया रानी गार्डन रखा गया है। तो अगर आप यहाँ भी कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस गार्डन में भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी जयपुर ट्रिप की यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि हमको कहाँ कहाँ विजिट करना है, कौन कौन से स्थान पे हमको जाना है। अब बात करते हैं कि इन सारे स्थानों पे विजिट करने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास तीन साधन है। दोस्तों, जयपुर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलती है, तो आप बस के माध्यम से सभी स्थानों पर विजिट कर सकते हैं और उसका कॉस्ट आपको 30-20 रुपए लग सकता है, जो कि आपका सबसे चीपेस्ट मोड होता है। दूसरा आपका आता है वहाँ पे, वो है आपका स्कूटी। दोस्तों, जयपुर में आपको स्कूटी मिल जाएगी जो कि आपका 200-300 रुपए के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे एजेंट देखने को मिल जाएंगे जो आपको स्कूटी या फिर बाइक प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पे स्कूटी के माध्यम से आप इन सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं। और लास्ट यानी कि तीसरे विकल्प की बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है या अगर आप स्कूटी ड्राइव नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप टैक्सी हायर कर लीजिए। दोस्तों, वहाँ पे जो आपका कैब वाला चार्ज लेगा वो आपका 2,500 से लेकर 3,000 तक ले सकता है पर डे का, और 2,500 या 3,000 ये जो कॉस्ट है ये आपकी एक दिन की है। इसी तरीके से आप जितने दिन कैब बुक करेंगे उस हिसाब से आपका जो फेयर है वो ऐड होता जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं कि आपको जयपुर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग सकता है। दोस्तों, अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं और साथ ही साथ आप एक बजट होटल में रुकते हैं और अगर आप स्कूटी के माध्यम से घूमते हैं, तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का जो कुल खर्चा आएगा जयपुर को घूमने के लिए वो आपका लगभग 5,000 से 6,000 तक आ सकता है। दोस्तों, ये कॉस्ट मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। सो दोस्तों, ये थी आपकी पिंक सिटी जयपुर की पूरी टूर गाइड। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू।